हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रिकॉर्ड ये जो हमारा गेम है ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफ है, मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारे गेम को ओपन करते हैं। अब देखो, ये जो गेम है ना यूनिटी में बना है। एंड मेरा पहली चीज़ तो मैं आपको पहले ही दिखा दूँ कि ये गेम मोबाइल डेटा और वाईफाई के बिना भी वर्क करता है। तो हाँ, यहाँ पर ऑप्शन भी सारे वर्किंग है, तो ऑफलाइन गेम है। अब चलो हम न्यू गेम पे स्टार्ट करते हैं। मैं गेम बताऊंगा उसके बाद ही कुछ भी बोलूंगा। अब देखो, मेरा जो है ना, मैं मतलब इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन का सोच के बनाया नहीं, क्योंकि बहुत कम साइज़ का गेम है एंड ऐसे मैं गेम्स पर बनाता नहीं हूँ। पर आप देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि यार ये शायद गेम का कुछ कट सीन होगा या फिर गेम का कुछ होगा ऐसे ही शुरू में फ़ोटो वोटो, तो ऐसा नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा गेम है। यहाँ पर आप सही में थोड़ा सा आप खुद देखिए, मतलब आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि ये एक मोबाइल गेम है। यहाँ पर जो है ना, गेम में कुछ भी नहीं है ज़्यादा, बस हम एक आप कह सकते हैं एजुकेशनल वीडियो है एंटरटेनमेंट के साथ में। यहाँ पर मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि गेम की ग्राफिक्स कितनी एडवांस हो सकती है मोबाइल पर भी। अब इसके जैसा सेम एक गेम जो है ना पीसी पर बना था, वो अनरियल में बना था, ये यूनिटी में बना है। एंड सही में मतलब उस गेम का तो पूरा 100% पोटेंशियल यूज़ कर लिया है, मतलब उस गेमिंग इंजन का, यूनिटी का। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 125 MB में आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ एक छोटा सा रूम है, रूम के अंदर में एक ड्रोन है जो इधर से उधर बस चल रहा है, ये पिलर्स के आर पार जा रहा है। एंड हमको बस उसके जो ड्रोन है ना उसके ऊपर में हमको हमारी एम को लेकर जाना है। एंड वो ऑटोमेटिकली फायरिंग करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। तो जो भी है यहाँ पर हम चेक करते हैं, एक बार मारते हैं। एंड यहाँ पर ना यार सही में मतलब आप चेक कर सकते हैं क्या ही ग्राफिक्स है, बहुत ही ज़्यादा मस्त ग्राफिक्स है। एंड ये थोड़ा हमारा ड्रोन ज़्यादा फास्ट है, इसको अभी तक मैं मार तो पाया नहीं हूँ। बाकी चलो चेक करता हूँ, यहाँ पर नहीं मार पाऊँगा उसको। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गेम के अंदर में, मैं आपको ऐसे कोई वो भी नहीं बोलूँगा कि आप डाउनलोड ही करो गेम को। पर हाँ, अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है ना तो आप चेक कर सकते हैं। मैंने ऐसे क्या, जब इस गेम का वो देखा था ना तो मुझे लगा था कि ये कोई गेम नहीं है, तो वो मैंने बस डाउनलोड करके चेक करा, तो मैंने बोला नहीं यार सही में मैं मेरे कैरेक्टर को इधर उधर कर पा रहा हूँ। अब देखो, एक गेम है हाईजेकर जेक, वो भी गेम ऐसी ही ग्राफिक्स से मिलता है आपको, पर वो ना प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ रहती है जिसको चला दिया गया रहता है और बीच में आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपको क्या करना है। बट ये गेम ऐसा नहीं है, यहाँ पर सही में आप रियली में एक गेम के अंदर में प्ले कर रहे हैं इतनी अच्छी ग्राफिक्स के साथ में, जिसमें आप कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे ये VR के लिए बनाया गया गेम है। बाकी जो भी है, गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब ग्राफिक्स में ऐसा तो गेम में कुछ है नहीं, पर ग्राफिक्स में बहुत अच्छा है। तो यही था वीडियो के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, एंड आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।